बिहार को टारगेट करके छल छलावा से नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने आज रिम्स परिसर में रुन्नी सैदपुर की पूर्व विधायिका मंगिता देवी पहुंची हुई थी। मंगिता देवी ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। उसके बाद मीडिया से मुखातिब होकर मंगिता देवी ने क्या कुछ कहा है, लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां भी दी है, आप उनसे सुनिए। इलाज चल रहा है, पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। क्षेत्र के बारे में, सीतामढ़ी के बारे में क्या कुछ जानकारी? लाइफ सिटी का देख रहे हैं कि उत्तरी बिहार को ही टारगेट किया गया और बिहार सरकार के द्वारा सत्ता का दुरुपयोग हुआ और उत्तरी बिहार को टारगेट करके छल छलावा से वहाँ महागठबंधन को हराने का काम किया गया। लालू जी से रणनीति बातचीत नहीं हुई है, उनका स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए हम लोग बैठे और बस उनका स्वास्थ्य। कुछ और भी टारगेट या जैसे क्षेत्र में क्या कुछ करना है, नहीं करना है, कोई टास्क दिए होंगे ना कि भाई ये पार्टी मजबूत की दिया अपन? नहीं, राजनीति पे कोई बातचीत नहीं हुई है, बस उनका हाल चाल जानने गए थे, उसी की बातचीत। ठीक है, बहुत। तो आपने मंगिता देवी की बातें सुनी, उन्होंने लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां दी है और खासतौर पर उनके स्वास्थ्य के विषय में बताया है कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य जो है वो इन दिनों ठीक नहीं चल रहा है, उन्हें बेहतर इलाज की जरूरत है, ऐसा मंगिता देवी ने कहा है। जब उनसे ये पूछा गया कि उनके क्षेत्र में राजनीति का क्या हाल चल रहा है, तो उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई सारी बातें कही और ये कहा कि सत्ताधारी दल ने किसी भी तरह से जीत हासिल की है और भ्रष्टाचार के बूते वहां पर जीते हैं सत्ताधारी दल। और साथ ही साथ जब उनसे ये सवाल किए गए कि आगे राजनीतिक रणनीति पर राजद की क्या चर्चा हुई लालू प्रसाद यादव से, तो उन्होंने इससे इस पर जवाब देने से इनकार कर दिया और ये कहा कि राजनीति से जुड़ी हुई कोई भी बातें नहीं हुई है, हम शिष्टाचार मुलाकात करने गए थे और लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां ली है और उनसे कुछ पर्सनल बातें की है, राजनीति से जुड़ी हुई कोई भी बात फिलहाल नहीं हुई, ऐसा मंगिता देवी का कहना है। लेकिन मंगिता देवी ने लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारी दी है, ऐसे भी हम आपको लगातार बताते आए हैं। जैसा कि उनके डॉक्टर का कहना है कि लालू प्रसाद यादव का जो स्वास्थ्य है वो स्टेबल नहीं है, किडनी में भी बहुत सारी खराबियां आ गई है और ऐसा ही मंगिता देवी भी कह रही है कि वो फिलहाल ठीक नहीं है और उन्हें और बेहतर इलाज की जरूरत है, ज्यादा देखरेख की जरूरत है ताकि उनका स्वास्थ्य और बेहतर हो सके। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।